ये है लाड़ भाई, ये ग्राम ब्रेनपुरा की रहने वाली है। इनके पास 5 बीघा जमीन है। खेती का काम ये स्वयं करती है, जिससे इनको बहुत सी परेशानियां आती हैं। सुनते हैं लाड़बाई का क्या कहना है। मेरा नाम लाड़बाई है, मेरा ग्राम का नाम वीरेनपुरा है और मैं समूह का काम मतलब समूह में से बेग दिया गया हूँ। बेग का काम करती हूँ और ये सिलाई का काम करती हूँ मशीन का। और मेरा समूह का नाम जय श्री राम। घर गृहस्थी को ही काम करती थी। हमारे पास 5 बीघा जमीन है, 4-5 बीघा, उन्हीं को काम करता था। और वो काम बीत बाद में मेहनत मजदूरी करता था। जब खेती करता था तो खेती में बहुत सी परेशानी, बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था और पानी की संभावना थी, सभी बात की परेशानी थी। अनाज भी कमाता था, पानी भी गिरता था, फिर भी वो फसल नहीं होती थी। और जो कोला वाला गिर जाता था तो उन्हीं में सब पर के भी सब गिर गया, कोई फसल नहीं हुई, सोयाबीन भी नहीं हुई, ऐसा परेशानी आती थी। इन सब परेशानियों के चलते लाड़बाई ने क्या किया, आइए आगे देखते हैं। समूह हमारे गांव में मैडम आई, मैडम ने बोला कि तुम समूह बना लो। तो समूह बनाया हमने 10-10 रुपये वाला, वो हर महीना पैसे जमा करते रहिए। और फिर मैडम ने हमें बताया कि तुम ऐसे करो कि अगर जो किसी का दिल हो तो हम आप कुछ काम बतावा। तो मैडम ने बोला, हमने बोला कि कुछ भी बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं, तो तुम बेग की ट्रेनिंग ले लो। तो फिर मैं 5-7 जनी मतलब औरतों राजगढ़ गई। तो वहाँ बहुत सारी औरतें आई, हमें कोई सीखने भी नहीं दे, मशीन भी चलाने नहीं दे, क्योंकि ज़्यादा मशीन चलाने वाली औरतें ज़्यादा होगी, मशीन कम थी। 10 मशीन थी, 10 में से 6 मशीन तो चालू थी, 4 खराब थी। तो कोई तो बेटे एक के ऊपर एक बेटे, तो मैंने तो वो भी नहीं करा, इसका ध्यान रखा मैंने घर पे आके। और ये वाला बैग बनाया, पहले बैग ये बनाया, बच्चे का वो बुशर्ट का कपड़ा पड़ा था। मेरे पास कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं था, मशीन तो खैर थी सही पहले से ही, जिसके बाद में फिर बैग बनावा लग गई। भोपाल से सामान वामान ला के फिर मैडम ने मुझे लोन भी दिलवाया, 15,000 रुपया लोन का मिला मुझे, उसी में से मैंने सामान वामान भी खरीदा और बेग बना भर लग। तो काम करवा में खेती जैसे सदस्य की भी कमी थी। मेरे पास 2 बच्चे हैं और 1 बहू है। बहू घर पर ही जावे, बच्चे दोनों काम करने के लिए जावे, मेरे से कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही काम सीख जाऊं तो घर बैठे काम करती रहूं। इसके बाद में मैंने बच्चे को भी सिखा लिया, बहू को भी सिखा लिया, वो भी बच्चा भी बनाता है। जैसे बैग भी बिकता जावे, 200 में भी दिया, 225 में भी दिया, 250 में भी दिया, 50 में भी दिया, 75 में भी दिया, वैसे बैग जैसे ही कीमत अपने हिसाब से बनाती रही और बेचती रही। बताओ भाई, जैसे समझ में आवे सो देख लो, जैसे बैग लेगी ऐसा ही पैसा पैसा को ये तो 150 को है, 150 को यो है और 100 को यो है। अरे भाई नकली वकली कच्चो पट्टो का सा, हाथ से बना रही, हाथ से सिल रही, मजबूत सिल रही, तो कच्चो पट्टो का सा है। एक नंबर बाजार से तो अच्छा बैग है ना। लो। 4 महीने में बना लिया। और भी अगर जो हमारे पास बहू भी होती तो और भी ज्यादा बना लेती, पर अब मैं अकेली थी, घर को काम काज भी करूँ,
अकेली थी यानी वजह से मार सत्र ही बन पाए। देख बना बस यो फायदो मिलियो मुझे कि कोई के पास पैसा कानने नहीं जाऊँ, मार बेग दिख जाए मार पास पैसा रहे, मतलब घर खर्चा में भी रहे, कहीं भी सामान भी ले लूँ और कहीं आबा जाबा में भी पैसा मार पास है तो कोई से मांग नहीं सकूँ। अब तुम्हारा यही विचार है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेग बनावा और जालपा जी पे भी दुकान अगले बार भी लगाई थी मैंने और अब भी लगावा की सोच रही, सोच के ही लगाऊंगी हरी। और इधर उधर मेला आता है वहाँ पे भी सोचती हूँ कि यहाँ लगाऊँ वहाँ लगाऊँ, पर वो क्या है कि बेग बना नहीं पाती हूँ इतना, इसलिए जितना बनता है इतना ही बेचती हूँ। वो बेग बनावा लगी इसमें फ़ायदा मिला तो गाँव में और भी महिलाओं और भी बोल रही है कि हमें भी कई मतलब बेग बनाना सिखा दो या अगरबत्ती की ट्रेनिंग दिलवा दो, अचार की दिलवा दो। मैंने को काम देख के मुँह भी करबू चारी मेहनत के मारे बचत हो लाग जाए तो अच्छी बात। ये मेरी पोती है और इसका नाम राधिका है और अब इसके बारे में यह सोच रही हूँ मैं कि इसको अच्छो पढ़ाऊँ लिखाऊँ, यही सोच है हमारी तो कि हाँ मारे इसको मारे जैसी परेशानी नहीं आप। ये मेरा परिवार है और ये बच्चे को भी ये बोलता सुनता नहीं है तब भी मशीन चला ले, सब बनी को तो ध्यान है कि जो बैग बना ले, मैंने भी मतलब मुँह बनाते सीधे नहीं उन्हें देख के ये बना ले और बहू भी बना ले और हम बहुत बढ़िया खुश है अब और कोई परेशानी नहीं है अब माँ में। यहाँ पर एक गांव की रहने वाली महिला लाड़वाई ने अपने परिवार को आर्थिक रूप से अच्छा और सशक्त करने के लिए जो कार्य किया है वह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने खेती के साथ साथ बेग निर्माण का कार्य भी शुरू किया और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया।